अब साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर फिल्म तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म का अगला भाग बनने वाला है और इस फिल्म की सीक्वल की अनाउंसमेंट 13 जून को कर दी गई है। इसका एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया था कि एक फौजी अपने 27 साल पुराने वादे को पूरा करने आ रहा है फिर से। भारत की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 जिसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता, नीति दत्ता प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब बॉर्डर 2 की खबर जब से सामने तब से ही बॉर्डर फिल्म के चाहने वाले फिल्म के दूसरे भाग का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तरह तरह के रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बॉर्डर फिल्म के अगले भाग में सनी देओल को छोड़कर किसी भी पुराने स्टार कास्ट को दोबारा नहीं लिया जाएगा, जिनमें सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना जैसे बड़े सितारे शामिल थे। अब बॉर्डर 2 की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो इस पर सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन दिया था और इंस्टाग्राम हैंडल पर इसका वीडियो भी शेयर किया था। तो वही दूसरी ओर जैकी श्रॉफ ने अब इस पर खुलकर बातचीत की है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ने भी एक अहम किरदार निभाया था और उन्होंने इस फिल्म में एयरफोर्स कमांडर एंडी बाजवा का किरदार निभाया था, जिनकी एंट्री फिल्म में काफी ज्यादा खास रही थी। सनी देओल का मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी किरदार के बाद जैकी श्रॉफ के किरदार को सबसे ज्यादा अहमियत मिली थी और इस फिल्म के दूसरे भाग पर जब खबर सामने आई तो इस बारे में जब जैकी श्रॉफ से पूछा गया तो जैकी श्रॉफ ने भी इस पर अपनी खुशी जताई है। उनका इस पर कहना था कि दूसरा भाग अगर आ रहा है तो इसको लोग जमकर पसंद करेंगे क्योंकि फिल्म के पहले भाग को लोग बहुत ज्यादा प्यार दे चुके हैं। हम यही कामना करते हैं कि मेकर्स इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से पर्दे पर दिखाएं ताकि लोग इसे जमकर पसंद करें। गदर 2 को भी लोगों ने इतना ही प्यार दिया था, हम आशा करते हैं कि बॉर्डर 2 को भी लोग जमकर पसंद करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि इस फिल्म के दूसरे भाग को लेकर अब सिर्फ फैंस नहीं बल्कि कलाकार भी काफी एक्साइटेड चल रहे हैं। तो दूसरी ओर अगर बात करें बॉर्डर फिल्म की तो 13 जून 1997 की रिलीज हुई जेपी दत्ता के निर्देशन बनी फिल्म बॉर्डर में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, पूजा भट्ट, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म के एक एक डायलॉग्स लोगों के दिलों में बस गए थे और संदेश आते हैं तो आज भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। 1997 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। सैकने की रिपोर्ट की माने तो फिल्म का बजट तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपए के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तकरीबन 70 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस फिल्म को जब लोग थिएटर में देखने जाते थे तब थिएटर्स में भारत माता की जय की गूंज सुनाई देती थी और लोग इस फिल्म से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गए थे। यही बड़ी वजह है कि मेकर्स अब 27 सालों के लंबे अंतराल के बाद फिल्म का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं।